दूसरा बंदा भी कोई हो मेरे गेम में तो हाँ यार आज मेरे पास टीममेट्स की कमी नहीं थी तो मैंने सोचा ठीक है ट्रैविस स्क्वाड लगा लेते हैं। वैसे ट्रैविस स्क्वाड अक्सर मेरे लिए टाइम वेस्ट रहता है बिकॉज भाई एक बंदा इतना तगड़े किल चोरी कर लेता है जो भी मेरा टीममेट रहता है, तो अगर एक और कोई ऐड हो जाता है ना तो भाई तो भाई भूल जाओ कि मुझे कोई किल मिलने वाला है। लेकिन फिर तुम सोच रहे हो तो भाई ये गेम प्ले तो क्यों दिखा रहा है, तो मे भी इन दोनों में से कोई मर जाएगा या फिर मे भी दोनों ही मर जाएंगे, खैर आगे पता चलेगा। अभी तो तुम्हें बता दूं वो जो येलो वाला घर जहाँ से मैं जस्ट अभी आया ना उसके ऊपर की तरफ कोई होता है उसकी छत पे, तो इसलिए मैं इस तरफ ही आ गया। वैसे मेरे पास हीलिंग है नहीं तो मैं ज़्यादा स्टंटबाजी कर नहीं सकता और मैं कर रहा हूँ फिर भी। अब मैं फाइट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने देखा भाई ये बंदा मेरे टीममेट के साथ बिजी है तो क्यों ना। क्यों ना मारा जाए, और बिल्कुल यार मैंने देखो इसको पिस्टल की भी कितनी बुलेट्स मारी, मेरे टीममेट ने बताया कि काफी ज्यादा लो है वो, तो मुझे लगा शायद दो बुलेट में खत्म है। जानू नहीं, नहीं होता ऐसे। अब मेरी टीममेट को यहाँ पे लग रहा था कि शायद से वो बंदा आएगा रश करने, मतलब वो टीपी लेने का ट्राई कर रही, बट मुझे पता था भाई इतना लो अब तो वो लिटरली सोच कर भी नहीं आएगा। लेकिन ना काफी देर हो चुकी थी, मे बी वो हील कर चुका वो बंदा। ओ भाई बंदा खेल गया, कहाँ से एंगल लिया भाई लड़के ने कसम से। यार मैं सोचा था कि यार मेरी हेल्थ तो है नहीं, अब देखो क्योंकि वो बंदा काफी पीछे चला गया तो मेरे ख्याल से उससे हीलिंग है ही नहीं भाई, तभी वो इतनी दूर गया कि हाँ भाई दूर दूर से फाइट लेते हैं तो मे बी उसकी हेल्थ मेरे जितनी हो। लेट्स सी क्या होता है। चलो मेरा बदला पूरा हुआ, वैसे ये पूरी प्रिपरेशन के साथ आई थी, जो अगर ये लड़की थी लड़का जो भी था एस्टल के लेकर आई थी, पहले इसके पास नहीं थी, इसकी हेल्थ काफी लो थी लेकिन फिर इसको एस्टल के मिल गई तो इसने सोचा ठीक है हु केयर्स एस्टल क्या, तो भाई हेल्थ कितनी हो मैटर करता ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे देखो लूट कर रहा था थोड़ा बहुत और फिर मेरे को पता चला कि अभी यहाँ पर और भी टीम्स हैं। पीछे वाले घर में जाओ ना भाई, मैं अभी कहीं जाने की हालत में नहीं हूँ क्योंकि मतलब हेल्थ नहीं है भाई मेरे पास, और वैसे भी मतलब जब सामने तीन चार बंदे हो ना तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक जगह रुकना है, बंदों को अपनी पोजीशन बतानी है और फिर वो अपने आप आ जाएंगे। ओ तन्नु भाई गर्ल गेमर्स कुछ ज्यादा इस वाली लोबी में सच में, इंक्लूडिंग माई टीममेट। अब पीछे से कोई एकेएम चल रही थी सेंट्रल रोड में ओपन से, तो मैं वहां पर शक्ल नहीं दिखा सकता तो इसलिए मैंने इस तरफ रहते रहते मतलब इस बंदे को मारा। अगर मैं उस तरफ ले जाता तो भाई सेंट्रल रोड वाला या तो मेरा किल ले जाता या फिर उसका। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने वो जो तन्नु को नॉक करा उसका किल मुझे अभी तक मिला है नहीं, और बाहर से कोई ग्रेनेड या फिर कुछ ना कुछ तो किसी ने फेंका है, ग्रेनेड नहीं भाई स्मोक, और तन्नु को रिवाइव मिल चुका है। अब मुझे पता है भाई यहाँ कोनों में कहाँ बंदे रहते हैं, हाँ तो मैं से काफी लोग बोल रहे होंगे लेकिन जिनको थोड़ी बहुत भी गेम सेंस है वो समझ गए होंगे क्योंकि अक्सर इन घरों में जो कॉर्नर्स रहते हैं भाई किसी भी घर के कॉर्नर पे बंदे छुपे रहते हैं, तो मैंने वहीं पर एम करा और बिल्कुल मेरा तुक्का लग गया, तुक्का नहीं लगा, मुझे पता था कि हाँ इस तरफ कॉर्नर होता है। अब बस मेरी किस्मत बढ़िया थी कि बंदा उसी कॉर्नर पे था। यही थे यार।